हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम आपको बताएंगे कि इप्सन 2140 में ये जो मेंटेनेंस का एरर आता है ये किस वजह से आता है। ये देखिए, ये एरर जो आ रहा है, इस एरर को कैसे ठीक करेंगे इसके में बारे में जानकारी देते हुए बताएंगे। अभी इसको ऑफ कर देना है। पहले तो ऑफ कर दिया है, उसके बाद जो है इसका मेंटेनेंस बॉक्स चेंज करेंगे। इसकी प्रॉब्लम यहाँ से आती है, इस वजह से एरर आता है। यहाँ पे एक स्क्रू होता है, इसको खोल लेंगे। स्क्रू खोल लेना है दोस्तों। ये एरर जो आता है हमारा यहीं पे से आता है, ये निकाल लेना है। इसमें कोई स्क्रू वगैरह नहीं आता है और ये हमारा इंक पैड है बिल्कुल फुल हो चुका है, इसी वजह से जो है एरर आ रहा है। इसमें हम न्यू इंक पैड डालेंगे, उसके बाद हमारा एरर खत्म हो जाएगा। इप्सन M2140 मॉडल है इसका ये प्रिंटर, और ये है मेंटेनेंस बॉक्स न्यू, इसको हम इसमें डालेंगे। ये निकाल लेंगे। ये दोस्तों शॉप पे भी मिल जाता है, शॉप पे उपलब्ध है। इसको ऐसे लगा देंगे, सेम टू सेम जैसे निकाला था वैसे ही स्क्रू टाइट कर देंगे। उसके बाद ऑन करेंगे, देखेंगे एरर तो नहीं आ रहा है। और ये समस्या इसमें एक और है कि ये प्रिंटिंग है, प्रिंटिंग सही से नहीं करता है, कहीं कहीं पे छोड़ देता है। तो इसे ऑन कर दिया है, अब इसको तो एक बार क्लीनिंग कर देंगे। एरर दोस्तों हमारा ख़त्म हो चुका है, प्रिंटर रेडी हो गया है। तो यहाँ से सेटिंग पे जाएंगे, मेंटेनेंस पे जाएंगे और हेड क्लीनिंग करेंगे। ये हेड क्लीनिंग लगा दी, ओके कर देना है। ये 3 मिनट्स के लिए बोल रहा है, 3 मिनट दोस्तों वेट करना है। क्लीनिंग स्टार्ट हो गई है, दोस्तों चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। थ्री मिनट रुकना पड़ेगा दोस्तों। क्लीनिंग करने से हमारा जो प्रिंट होता है एकदम क्लियर आता है, लाइनिंग वगैरह या कुछ भी नहीं आता है, कोई इशू। हेड जो होता है वो क्लीन हो जाता है एकदम, और एकदम सटीक छापता है। इंक पैड जो दोस्तों होता है, जो क्लीनिंग होती है ज़्यादातर उसी से जो होता है फुल हो जाता है, इसीलिए एरर आ जाता है प्रिंटर्स में। तो वैसे तो इप्सन 2140 है ये, तो इसमें इसी प्रकार का अगर आए एरर तो दोस्तों यही चेंज करना है आपको, मेंटेनेंस बॉक्स, एरर आपका ख़त्म हो जाएगा। हमारे दोस्तों क्लीनिंग हो रही है, थोड़ा वेट और करना पड़ेगा। क्लीनिंग हो जाती है, वैसे तो इसमें स्क्रीन है, इसमें स्क्रीन पे शो कर देता है कि क्लीनिंग कंप्लीट। और जिसमें स्क्रीन नहीं होती है, जो ऑन ऑफ वाली बटन दिख रही है आपको, पावर ऑन लाइट ब्लिंक कर रही है, जब हमारी क्लीनिंग कंप्लीट हो जाती है तो ये एकदम रुक जाती है, मतलब जलती रहती है। क्लीनिंग हो जाती है तो जलती रहती है ऐसे, मतलब बंद और जलती नहीं है बार बार। तो इसे पता लगा चल जाता है कि जो भी है क्लीनिंग या पेपर जो जाम या कर देता है कुछ भी, तो इससे जानकारी हो जाती है।
और स्क्रीन लगी है तो स्क्रीन पे खुद शो करता है दोस्तों। क्लीनिंग हो चुकी है दोस्तों, फिनिश के लिए बोल रहा है नीचे वाला नोजल चेक, तो हम नोजल चेक करेंगे। उसके लिए आपको पहले फिनिश कर देना है। अब यहाँ से नोजल चेक पे जाएंगे, लेफ्ट क्लिक करके ओके कर देना है। अब दोस्तों हमारा यहाँ से प्रिंट निकलेगा। ये प्रिंट आ गया नोजल चेक, ये इसने अपनी रिपोर्ट निकाल दी, कितने पेजेस निकले हुए हैं, कब ये फर्स्ट टाइम चला था, कितनी ब्लैक कॉपी है, कितने टोटल पेज हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।